नहीं नहीं जी, पुलिस ही जो बनना है, पुलिस के साथ एक एक वाला जो था नहीं जी, फोन खेले तो इधर वाला एक है वो मारने का परमिशन नहीं है, जिसको भी ऐसा मारते कैसा वो लोग आके वो भी घरों में घुस के महल में जहाँ पर बैठे ना वहाँ घुस के मार रहे हैं। बात करें मैडम, अभी डीसीपी साहब बात करें, मैडम को भी बोलो और फराज बाबा को भी। नहीं सर, वो हमारा क्या है सर, देखिए पहले तकलीफ में है लोग, सब तकलीफ तकलीफ में, दुनिया तकलीफ पूरा, वही बोलो ना, सब ऊपर से अब घरों में घुस के मारेंगे बोल तो क्या करेगी पब्लिक, बाहर है गर्मा है बोल के बैठी हुई है, जैसा हम कर लेते उनको वॉलंटियर्स को कैंसिल करना, कैंसिल होना पर सब अभी टोटल वॉलंटियर कैंसिल है मैडम, और जो है वो रेटिंग में क्या है देंगे मैडम, कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। सुबह रहने से जरा कम तरस हुआ, वो वॉलंटियर्स को हटा देते और हम खुद सुपरवाइजिंग करते हैं, खुद फिरते हैं, हम किसको भी नहीं मार रहे और कई लोग ये जो है मैडम इनका क्या है कानूनी कार्रवाई जरूर कर। नहीं नहीं सर, वो क्या होता है अगर यहाँ के रहते थे ना एरिया के वॉलंटियर्स उतना मसला नहीं होता था, कहाँ के वॉलंटियर्स है किसको है किसी थोड़ा देखिए ना सर, पैसा कैसा लेते हैं। बरकातुहु, आज वॉलंटियर आकर 10-12 वॉलंटियर एक एक गाड़ी पर 3-3, 4-4 आकर उनके कान में कुछ बाली है वो है, चेहरा नहीं दिखा, पूरा चेहरा ढापे हुए, टोपी ढापे हुए हैं, खाली उनके आंख दिख रही है। 8-10 कुलबानी मस्जिद के पास आए, आने मैं वहाँ ठहरी थी, फिर गाड़ी आई एक पुलिस वाले की, तो छोटी गली में घुस कर जो कट्टों पर बैठे हैं लोग, कट्टों पर बैठने वालों को मारी, कौन इजाजत दिए कट्टों को बैठने वालों को मारो बल करो, आज कट्टों को बैठे बोलकर मारेंगे, कल घर में बैठे तो घर में घुस को मारेंगे, ये कौन वॉलंटियर है, कल इनको तुम सस्पेंड करना, कमिश्नर डीसी एसपी सबसे मैं अपील कर रही हूँ, ये सबको सस्पेंड करना, लांगली मोमिनपुरा मिजगोरी हर जगह इन आकर फिर कर मार रहे, मारने की कौन इजाजत दी, खाली गवर्नमेंट क्या बोले, खाली डराओ, सुबह 6 बजे दुकान खोलते ही दुकान बंद करो बोलते, फिर वो कारोबार क्या करना, करने का तरकारी बेचते, मिर्ची बेचते, अदरक लहसुन बेचते, तुम आकर इनको बंद करो, 6 बजे से 10 बजे तक टाइम दी, जब तुम्हें 6 बजे चाहो इनकी छाती पर ठहरे तो बेचेंगे कैसा, कुछ लोग बीमार हैं उनको दूध होना, खाली दूध बेचो बोले तो दूसरे चीज क्या करना, अगर तुम्हारे को उतना लॉकडाउन करना है पूरा मोमिनपुरा फिरो, फिर कर सबकी मदद करो, पहले गवर्नमेंट वाले कर को तुम पूरा लॉकडाउन करो, हम लॉकडाउन करने को तैयार हैं, हम पहले भूखे मर रहे, हमारे घर में राशन नहीं है, उसके बाद भी हमारे घर के बच्चों को, मेरा पोतरा 4 साल का है, पुलिस वाले पीट लगते हैं मेरे बच्चे का, पैर खून दिए बच्चे भाग लेते, आको कट्टों पर बैठे साले, ये तुम्हारे को कौन दी हुकूमत, मारो बल को, पुलिस वालों को इजाजत है मारो बल को, वॉलंटियर को मारो बल कर नहीं है, वॉलंटियर को देखभाल करो बल को है, मारो बल को कहाँ है बताओ, अगर अब तुम एक्शन नहीं लेंगे तो कल हम पूरा जाम करेंगे, तुम अगर हमारे को मारना चाहते मार खाने को तैयार है, कल हमें हड़ताल करेंगे, हमारे आदमी मार खाने को पैदा नहीं है, मेहनत कर रहे तो भी पेट नहीं भर रहा, तुम खाली लॉकडाउन लॉकडाउन, कोरोना कोरोना क्या है ये, तुम्हारे उधर के एरिया हर एरिया खाली है, हमारे मोमिनपुरे को क्यों कारगेट बने, चाचा होटल को क्यों बने, यहाँ मेहनत कर रही भाई, सुबह शाम तक बेचे तो 200 रुपए उनको मजदूरी नहीं है, चाय बेचे साले को मारते हैं, तरकारी बेचे साले को भाग जा बोलते हैं, भागने लगे मेरे पैर में धरा था बोले तो रट्ठा पर मारते हैं, ये का उसूल है बताओ, अगर इंशाल्लाह अगर आप लोग का एक्शन नहीं लिए तो कल हम पूरी पब्लिक मिजगोरी पर चाचा होटल पर बैठते हैं, आपको जो करना है एक ही बार मार को छोड़ो हमारे को, हम मरने को तैयार हैं, नहीं बोले तो तुम वॉलंटियरों को हमारे एरिया में जाके हैं उनको हमारे एरिया में नहीं भेजना, हमारे एरिया के वॉलंटियर आए मुझे भी चौक पुलिस यहाँ से
रोजा पुलिस स्टेशन से रावे शिकारी को आयशा शिकारी को दोनों को वॉलंटियर का हमारे को मिला है। हमारे को बोलो हम कवर करते, ये आदमियों को हम जानते नहीं कौन है कि क्या नहीं की कहाँ के हैं कि हमारे को पता नहीं। उस आदमी को भागने नहीं आता तू भाग, मेरे पाँव में दर्द हो तो पिंडरे हाथों को मारे, ये कहाँ का उसूल है। चार जने को मारी वो गली में, छोटी फुलवानी मस्जिद के पीछे गली है, वो गली में घुस को कट्टियों पर बैठी आदमियाँ, अपने घर के सामने नहीं बैठना, बैठना नहीं बैठना, घर पर घर के सामने बैठे साले को मारे, ये कहाँ का उसूल है तुम्हारा। मैं मेरे बीवी को दवाखाने हॉस्पिटल को मार्केट को आदर्श पप्पूगोड़ा उनके पास हमारे बीवी नौकरी करते हैं, मैं खास उनको छोड़ने लगा था, आदमियाँ बहुत फिरने बाहर है उनको छोड़ के वापस आते जब मिजगिरपुर मेरे को डंडे से घुटने पर मारे हाथ पर मारे और मेरे को भागने नहीं आ रहा, पहले तो मैं मोटा हूँ मेरे को भागने भी नहीं आता, वाले ने सर मेरे को मारे, वहाँ से मेडिकल छोड़कर मैं आया बीवी को हमारे दवाखाने को, रास्ते से पूरा वहाँ से यहाँ तक आया मिजगिरी पे आते कि मेरे को मारे, बोल रहा हूँ साहब मैं दवाखाने से आ रहा हूँ दवाखाने से आ रहा हूँ, बोले तो भी मेरे को मारे जबरदस्ती। आज गुलबर्गा शहर में डीसी के हिदायत पर लॉकडाउन का पहला दिन है जो एक कंप्लीट लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में किसी को भी कोई सामान लेने के लिए बाहर जाना या कुछ भी बाहर निकलने की गैर ज़रूरी जो हरकत होती है उसे रोकने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन जब कोई अपनी मजबूरी में बाहर निकलता है, अगर कोई हेल्थ वर्कर है और ख़ास करके वो खातून है, उसका शौहर उसके साथ में जाता है और वापस आते वक्त में उसको मारा जाता है, तो ये साबित करता है कि लॉकडाउन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लाठी चार्ज करने का इख्तियार पुलिस को बहुत आखिरी सूरत में दिया जाता है, वॉलंटियर्स को तो मिलता ही नहीं है, तो वॉलंटियर्स जब मारते हैं तो इसका मतलब यह है कि वॉलंटियर्स गलत इकदाम उठाए हैं, वॉलंटियर्स को पुलिस की इजाज़त मिली है, पुलिस की आंखों के सामने मारा गया है, तो ये वॉलंटियर्स को फौरी तौर पर इनका जो वॉलंटियर कार्ड है वो निकाल लेना चाहिए और अपने अपने इलाके के जो वॉलंटियर्स बनाने चाहिए वो लोगों को इलाका वारियत के हिसाब से वॉलंटियर्स बनाना चाहिए।